सो हाई गाइज़ वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो मैं हूँ आपकी दोस्त अनुप्रिया और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ ये चीकू का सिक्स टू सिक्स मंथ्स टू सिक्स ईयर्स टूथपेस्ट का रिव्यू जिसमें मेरे पास जो है एप्पल बनाना वाला फ्लेवर है इसके अंदर एक और फ्लेवर आता आई थिंक दो तीन फ्लेवर आते हैं तो तो ये वाला मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था तो इसलिए मैंने ये वाला मंगवाया जैप्टो तो अमेज़ोन पे सब जगह पे अवेलेबल है नायका पे तो आप चेकआउट करके मंगवा सकते हैं आ, थर्टी ये फिफ्टी ग्राम का पैक आपको वन सेवेंटी नाइन रुपीज़ का मिलता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेरिजन टू अदर टूथपेस्ट तो अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा तो चलो फटाफट -फड़ से इसका डिटेल में रिव्यूज आ लेते हैं तो चलो वीडियो स्टार्ट करती है सो गाइज आज हम बात करेंगे कीको के टूथपेस्ट के बारे में जो कि सिक्स मंथ्स टू सिक्स ईयर्स तक है ये जो है 50 ग्राम का पैक आपको 200 समथिंग का पड़ेगा 358 है लेकिन जो है इसका ओरिजिनल प्राइस जो है वो 259 फिफ्टी के लगभग आपको अमेजोन पे मिल जाएगा क्योंकि अमेजिंग ऑफर्स चलते रहते हैं आइडिया एक्सेप्टेड है नो फ्लू फ्लूरोड है लो एप्रेसिव फॉर्मूला के साथ आता है और हेल्प टू प्रिवेंट द डेंटल कैविटी के लिए होता है इसके अंदर दो डिफरेंट फ्लेवर्स हैं ये जो है मुझे चीकू बोल लीजिए कीकू बोल लीजिए ये मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था जब मेरी बेटी एक साल की हो गई थी छः महीने से लेके मेरी बेटी ने पाँच महीने दाँत निकाल लिए थे तो फिफ्थ मंथ से लेकर मैंने ट्वेल्व मंथ्स तक उसका जो है छः महीने तक ब्रश जो फिंगर ब्रश होता है उसकी मदद से ही मैंने उसे ब्रशिंग करवाई है विदाउट टूथ ब्रश और जब मेरी बेटी एक साल से सवा साल के बीच में थी तब भी कभी टूथब्रश कभी फिंगर ब्रश की मदद से ही मैंने किया है जब सवा साल की थी तब से मैंने जो है टूथपेस्ट यूज़ करनी शुरू की थी और अभी मेरी बेटी 21 महीने की है तो लगभग वो पंद्रह महीने से चालू किया था तो ये छः महीना लग जाता है क्योंकि हमें बहुत ही टाइनी सा प्रोडक्ट चाहिए होता है नो फ्लूड ज़रूर होना चाहिए बच्चों के टूथपेस्ट में बड़ों वाला टूथपेस्ट बच्चे नहीं इस्तेमाल कर सकते इस बात का आपको ध्यान रखना है हमेशा जब भी आप ब्रशिंग करें ब्रशिंग शुरू करवाएं अपने बच्चों को क्योंकि फ्लूइड क्या होता है ये आपके दांतों को कैविटी से बचाने में हेल्प करता है और ये जो है वैसे तो हमारे नॉर्मल टैप वाटर में या फिर पालक में सब में होता है लेकिन ये अंदर नहीं ले जाना होता है इसे वॉश करके या कैसे भी यूज़ करना होता है ताकि जो है इससे ओरल हाइजीन मेंटेन रहे और इसे थूकना होता है इसे अंदर लेके जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी शरीर को ख़राब करना स्टार्ट कर देता है आ, तो इसीलिए मना करते हैं और बच्चों को यही वाला जो है टूथपेस्ट देते हैं तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप ब्रशिंग स्टार्ट करें तो नो फ्लोएड वाला ही आ, आपको स्टार्ट देना है और बहुत ही टाइनी सा मतलब चावल के दाने जितना ही प्रोडक्ट आपको चाहिए होता है तो छः से सात महीने चल जाता है प्रोडक्ट इसमें ये एप्पल वाला जो फ्लेवर है ये बिल्कुल मतलब जैसे आपने ग्रीन एप्पल कभी खाया हो तो वैसा वाला फ्रेगनेंस इसमें से आता है मेरी बेटी को बहुत पसंद था इनिशियली लेकिन लास्ट एक मंथ से उसने रोना चालू कर दिया था जैसे जैसे बड़े होते बच्चे को ड्रामे भी स्टार्ट हो जाते हैं तो वो चीज़ भी अलग रहती है तो बच्चों को ब्रशिंग कराना इस टास्क और आदत डालना तो बहुत बड़ी टास्क है और दिन में दो बार ब्रश आप करवा सकते हैं मैंने दिन में दो बार ब्रश अभी पिछले थोड़े टाइम से ही स्टार्ट कराया है उससे पहले तक वो एक टाइम ही ब्रश करती थी एंड बहुत मुश्किल से करती थी तो ये वाला जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है फ्रेग्रेंस भी अच्छी है इसकी और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है इन्ग्रीडियट्स भी इसमें सारे के सारे सेफ़ हैं अगर आपका बच्चा जो है बहुत ज़्यादा मीठा खाता है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स कुछ ऐसे हैं कि जो कैविटी को नहीं होने देते हैं एंटी फंगल इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं और छः साल तक आपको लेना है अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसके अंदर आपको ब्रशिंग टिप्स एंड ट्रिक्स दो जो मुझे डॉक्टर ने सिखाई हैं वो तो मैं डेफ़िनेटली बनाऊंगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना पसंद करना करते हैं इसकी शेल्फ़ लाइफ लगभग तीन साल है और इसकी जो शेल्फ लाइफ के साथ साथ जो होता है ना कि ओपन करने के बाद कितने मंथ ट्वेल्व मंथ ओपन करने के ट्वेल्व मंथ्स तक ही आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो शेल्फ लाइफ इज़ जब तक ये पैक पैक्ट है तब तक आप तीन साल तक इसे रख सकते हैं जैसे ही ओपन हो जाएगी जिस दिन ओपन करेंगे उससे बारह महीने तक आप इसे सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और बाकी बाकी अगर इसे बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना थैंक्स फॉर वॉचिंग तो आशा करती है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा अगर हेल्पफुल रहा है तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर इसे बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना वीडियो में कुछ भी अच्छा लगाओ तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर बनती फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग